वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले ये है फिफ्थ एनिवर्सरी की पिक्चर जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हो चुकी है। उनकी शादी 2018 में हुई थी और उनका रिलेशनशिप 2013 से स्टार्ट था, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा। बाद में 2016 में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ओपन किया। कॉफी विद करण में उन्होंने इन सब बातों को ओपन किया था कि उनका रिलेशनशिप कब बना और कब उन्होंने किया था। रामलीला के टाइम पे भी वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी को खबर ना होने दी। रिसेंटली रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रामलीला की सेट से कुछ तस्वीर अपलोड की थी। वो तस्वीर थी जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट थी, और बाद में जिस तरह वो दीपिका पादुकोण के जितने करीब है साफ पता चलता है कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने यही शो करवाया कि नहीं, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जी हाँ, रणवीर सिंह और उनकी शादी और दीपिका पादुकोण की शादी को 5 साल हो चुके हैं। दोनों ही बहुत खुश हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। ये जो फर्स्ट पिक्चर थी जो आप लोगों ने देखी थी कि जिसमें दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को किस कर रही हैं, वो पिक्चर उनकी फिफ्थ एनिवर्सरी की, जिनमें जो रणवीर सिंह है बहुत काम पर्सनैलिटी में लग रहा है और दीपिका उन्हें किस करती हैं। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है जिसमें बहुत से फैंस उन्हें कमेंट करके कहते हैं कि आपने आपकी पिक्चर बहुत प्यारी है, आप ऐसे ही रहिए, हम आपके बॉन्ड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता देखना चाहते हैं, आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ है और आपने कभी भी इस बॉन्ड को ख़त्म नहीं करना। जो उनके फैंस हैं दीपिका और रणवीर को बहुत पसंद करते हैं, उनके कपल को बहुत पसंद करते हैं। दीपिका के फैंस रणवीर को बहुत पसंद करते हैं और रणवीर के फैन दीपिका को बहुत पसंद करते हैं। एंड गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। और याद रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।